लोगों ने पूछा या रसूल कौन सा इस्लाम अफजल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे सही बुखारी हदीस नंबर ग्यारह एक दिन एक आदमी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको न पहचानो उसको भी अलगर्ज सबको सलाम करो सही बुखारी हदीस नंबर बारह हजूर अक्रम सल्ह वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है सही बुखारी हदीस नंबर तेरह रसूल करीम सल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब न बन जाऊं सही बुखारी हदीस नंबर चौदह अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए सही बुखारी हदीस नंबर पंद्रह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाए दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है सही बुखारी हदीस नंबर सोलह हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम ने अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है सही बुखारी हदीस नंबर सत्रह रसूल वक्त जब आपके सहाबा की एक जमात बेची हुई थी फरमाया कि मुझसे बेद करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे चोरी न करोगे जना न करोगे अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और ना आमदन किसी पर कोई ना हक बोहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी न ना करोगे जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के जिम्े है और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इरतकब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है अगर चाहे माफ करे और अगर चाहे सजा दे दे इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्हुह वम से बेत कर ली सही बुखारी हदीस नंबर अट्ठारह रसूल्लाम ने फरमाया वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उमदा माल उसकी बकरियां होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा सही बुखारी हदीस नंबर उन्नीस रसूल किसी काम का हुक्म देते तो वह ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती इस पर साहब कर ने अर्ज किया रसूल हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं। आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लफजिशी हैं। इसलिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए नाराज हुए हती के खफगी आपके चेहरे मुबारक से जाहिर होने लगी फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूं बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते सही बुखारी हदीस नंबर बीस